हाय, मैं हूँ आपका दोस्त और मेरे चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। और आज हम नागपुर सिटी के रोड के बारे में आपको इस व्लॉग में बताते हैं। अभी हम निकले हैं जिंदाल पब्लिक स्कूल जो वाड़ी में है, और वाड़ी से जाएंगे मेन सिटी, और वाड़ी से मेन सिटी का जो रोड है वो रोड का पूरा नज़ारा हम दिखाते हैं। नागपुर में किस प्रकार से रोड की स्थिति है, यातायात की स्थिति है, और नागपुर में किस प्रकार से मेट्रो का काम हो रहा है, लगभग हो चुका है। छोटी छोटी मेट्रो भी यहाँ कुछ जगह पे शुरू भी हो चुकी है। वो सारा नज़ारा आप इस मेरे व्लॉग के जरिए आप देख सकते हो। देखिए, बहुत ही सुंदर ऐसा रोड नागपुर में है। हम जा रहे हैं वाड़ी से इटर्निटी मॉल की तरफ। वो आगे चल के हम आपको इटर्निटी मॉल भी दिखाएंगे। यहाँ तक पता है मुंबई के बाद में पहली बार जो नागपुर में है फ्लाईओवर की शुरुआत की थी, और वही फ्लाईओवर आज जगह जगह छोटे छोटे सिटी में भी महाराष्ट्र में आपको दिखाई देंगे। ये आया है इटर्निटी मॉल, और ये आदिवासी गुवारी शहीद उड्डान पुल आपको दिखा रहा हूँ जिस फ्लाईओवर की मैं बात कर रहा था। और यही है बर्डी का मेन एरिया, यही से बस आपको हर जगह जाने के लिए सिटी बस उपलब्ध होती है। तो यहाँ से अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो बहुत ही नज़दीक है। ये रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला ये रोड है, जिसको पता नहीं है उसके लिए बहुत ही व्लॉग बहुत फायदेमंद होने वाला है। देखिए, ये सीधा जो है ये रोड जो है बर्डी से जो निकला हुआ है इटर्निटी मॉल की तरफ से, ये जाएगा सीधा लोहा पुल की तरफ। ये बीच में घंटी वाला मिठाइयाँ मिलती है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ संतरा बर्फी मिलती है, इसके पास में आपको दिखाई दिया होगा। और ये देखिए एकदम शॉर्टकट, मेरे हिसाब से ये जो है 2 किलोमीटर के अंतर पे ही रोड है। जब हम रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो टैक्सी वाले बहुत ही बोलते हैं कि भैया बर्डी जाने के लिए 20 रुपये लगेगा, 30 रुपये लगेगा। अगर कोई पैदल भी जाना चाहता है वॉकिंग डिस्टेंस में तो ये रूट से आप नज़दीक जा सकते हो। देखिए आगे ये बर्डी का ही एरिया, ये लोहा पुल आ गया आपको सामने दिख ही रहा है। और ये प्रसिद्ध ऐसा टेंपल है बर्डी का, ये भी आपको दिख ही रहा होगा। माँ सीता का है, और ये मानस चौक आ चुके हैं। और मानस चौक मतलब ये रेलवे स्टेशन का एरिया है। थोड़ी दूर पे जाएंगे फिर से एक उड़ान पुल लगेगा, क्योंकि नीचे से है ये रेलवे स्टेशन है। ये उड़ान पुल ऊपर से जा रहा है, और नीचे के साइड में इसी उड़ान पुल के नीचे साइड में है सुप्रसिद्ध ऐसा रेलवे स्टेशन। तो देखिए कितना नज़दीक है मतलब। और जो इटर्निटी मॉल का जो मेन सीताबर्डी का जो एरिया है जहाँ से बसेस जो है हर जगह जाती है, तो वही आना पड़ता है सबको। नागपुर में कहीं भी अगर सिटी बस से ट्रैवलिंग करना है तो पहले रेलवे स्टेशन यहाँ से उतर के सीधा जाते हैं इटर्निटी मॉल चौक में, और वहीं से बसेस लोग पकड़ते हैं। और ये देखिए इधर से इतवारी गांधी बाग बहुत ही नज़दीक है, और थोड़ी देर में हम जाएंगे गांधी बाग इतवारी के तरफ। यहाँ से सिंगल रोड लाइन होने के कारण अभी हमें मारना पड़ेगा यू टर्न। ये देखिए मेट्रो का ही काम हो रहा है, और यहाँ भी एक बढ़िया सा मेट्रो का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। अभी थोड़ा ही आगे जाएंगे तो हम अभी मारेंगे यू टर्न, और यू टर्न के बाद में जो और एक फ्लाईओवर का एक बहुत ही बढ़िया वायर से टंगा हुआ पुल आपको दिखाई देगा, वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ से हम मारेंगे यू टर्न, और यू टर्न मार के ये जाता है सीधा भंडारा डिस्ट्रिक्ट की तरह रोड जाता है। और आगे जो है मोमिनपुरा भी आपको इसी रोड से मिल जाएगा, गांधी बाग भी इसी रोड से आपको मिल जाएगा। ये मेट्रो का काम होने की वजह से, मेट्रो का काम
कंस्ट्रक्शन होने की वजह से यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक है। मेयो हॉस्पिटल भी इधर से जा सकते हैं। ये देखो रेलवे स्टेशन, यही से हम इधर यू टर्न मार के उधर गए थे। और ये देखिए भंडारा, गांधीबाग, इतवारी, सब यही रोड से। और जिस पुल की मैं बात कर रहा था है, जो वायर के ऊपर एक प्रकार से टंगा हुआ दिखता है, देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये पुल बना हुआ है। नीचे से इसके रेलवे स्टेशन है, खास बात ये है। और ये देखिए मेट्रो का काम कितना स्पीडली गति से नागपुर में हो रहा है। कुछ जगह की मेट्रो लाइन शुरू भी हो चुकी है, लेकिन कुछ जगह अभी भी शुरू नहीं हुआ है। और ये आया है मोमिनपुरा के एक खास चौक में, और यहाँ भी एक मेट्रो का रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है। ये है दोसर वैश्य चौक, मतलब बहुत ही नज़दीक है ये भी रेलवे स्टेशन से। और आगे जाएंगे तो देखिए और एक अग्रसेन चौक आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर ऐसा नागपुर का नज़ारा आज हमारे इस ब्लॉग के जरिए आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए इतवारी और थोड़ा जाना है, बाद में चित्राओड़ी भी आपको लगेगा। और हमें जाना है नंदनवन, और नंदनवन में थोड़ा सा काम है, वही हम रुकेंगे और अपना काम करेंगे। ये अग्रसेन चौक का मेट्रो का स्टेशन भी आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर देखिए कि अग्रसेन चौक ही है, ये अग्रसेन महाराज है, आपको दिख रहे होंगे चौक में। बहुत ही बढ़िया ऐसा मेट्रो का काम, ऊपर से जाएंगे मेट्रो और नीचे से भैया जाने के लिए दोनों तरफ से दो तरफा ऐसे बहुत ही बढ़िया ऐसे रास्ते नागपुर में बनाए हुए हैं। बाद में जो यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज करके भी एक मेट्रो का स्टेशन इसी रूट पे बनाया हुआ है, वो भी आपको दिखेगा ही। और थोड़ी दूर में जो है हमारा जो डेस्टिनेशन है, जहाँ हमें कुछ काम है, नंदनवन, वही आने वाला है। तो इस ब्लॉग में आपको नागपुर के रोड किस प्रकार से लगे और नागपुर का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, इसका पूरी जानकारी मेरा देने का ये उद्देश्य है। अगर ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे इस ब्लॉग को आप शेयर भी कर सकते हो। अगर आप ये मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं लगा तो इसको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ये देखिए आ गए हैं हम नंदनवन, और सीधा अगर ये जाएंगे तो ये रोड जाएगा भंडारा की तरफ। और हमें नंदनवन में ही काम था, इसीलिए हमने बर्डी से लेके नंदनवन का पूरा रास्ता हमारे इस ब्लॉग के जरिए आपको दिखाया गया है। और इसी के साथ ये ब्लॉग की समाप्ति हम यही करना चाहेंगे। धन्यवाद और शुक्रिया।